तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डस्ट का यूज़ करते हुए यानी मट्टी का यूज़ करते हुए लोहा बनाया था यानी आयरन बनाया था। आज हम बनाएंगे कॉपर यानी बनाएंगे तांबा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महा एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज देख सकते हैं मेरे पास एक कॉपर सल्फेट यानी ये है, इसे नीला तोता भी कहते हैं। नीला तोता हमारी हिंदी लैंग्वेज में इसे कहा जाता है। ये काफ़ी जहरीला होता है, मतलब काफ़ी टॉक्सिक जहर है ये। इससे आप दूर रहिए, क्योंकि जिसको ये जानकारी नहीं है इसके बारे में तो इसको आप बिल्कुल भी, मतलब ये एक्सपेरिमेंट रिपीट मत करिए। अगर आपको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज है तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। अगर इसके बारे में आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो इससे आप बिल्कुल ही दूर रहिए। तो देख सकते हैं, ये है नीला तोता, कुछ इस तरह से दिखता है ये। इस तरह डली के फॉर्म में आता है ये, और इसे साइंस की भाषा में कॉपर सल्फेट कहते हैं। तो इसी से आज हम तांबा बना के देखेंगे। और देखिए, एकदम नीला सा इसका कलर है, काफ़ी जहरीला टॉक्सिक जहर है। दिखने में जितना अच्छा दिख रहा है उतना ही ये खतरनाक जहर है। तो चलिए, आज हम इससे कॉपर बनाने वाले हैं, इससे हम तांबा बना के देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम लगभग 50 ग्राम के आसपास कॉपर सल्फेट यानी नीला तोता लेंगे। दोस्तों, ये जो नीला तोता है ये पंसारी की शॉप पे मिल जाता है बड़ी आसानी से। बड़ी आसानी से कहने का मतलब है कि ये एक जहर है, तो वो देने में कतराते हैं क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक जहर है, तो इसीलिए ये किसी को भी वो नहीं देते हैं। तो चलिए, हम सिंपली इसका वज़न कर लेते हैं, इसमें हम इसको गिन लेंगे। तो देखिए, अभी ये 10 ग्राम हो गया है। सिंपली इस बीकर में हम इसको डाल देंगे अभी। चलिए, और 10 ग्राम इसमें हम डाल देते हैं। पहला 10 ग्राम और ये 20, अब ये हो गया 30 ग्राम। अभी और 20 ग्राम ले लेंगे हम। ये देखिए, ये हो गया 20 ग्राम। तो चलिए, सिंपली इसको भी बीकर में डाल देते हैं। तो ये देखिए, हमने सिंपली 50 ग्राम नीला तोता लिया है, तो इसे सिंपली हमें गर्म करना होगा यानी इसे हीट देनी होगी। तो इसे हम इसे हीटिंग प्लेट पे रखेंगे। उसके लिए हमें इसको थोड़ा यहाँ तक रखना होगा। इसको हम डायरेक्टली बीकर को यहाँ पे रखेंगे तो हो सकता है हमारा बीकर है जो क्रैक मारे। तो चलिए, मैं इसके ऊपर कुछ जुगाड़ करता हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये है छन्नी। तो सिंपली मैं इसके ऊपर इसको रख दूंगा, तो इसका जो टेम्परेचर है, ठीक है, चलिए इसके ऊपर इस बीकर को रख देता हूँ मैं अभी। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक छन्नी रखी है ताकि जो टेम्परेचर है डायरेक्टली हमारे बीकर को हीट ना करे। तो चलिए, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ, लगभग 100 ml के आसपास। तो देखिए, 100 ml हम इसमें पानी डालेंगे। तो देखिए, हीट होना शुरू हो चुका है। ये जो कॉपर सल्फेट है यानी नीला तोता, इसमें पूरी तरह से घुल जाएगा। तो इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। दोस्तों, ये वही नमक है जो हम घर में रेगुलरली यूज़ करते हैं। तो चलिए, एक चम्मच इसमें मैं नमक का ऐड कर लेता हूँ। तो इसको घुलने तक हमें वेट करना होगा। तो देख सकते हैं, जो नीला तोता है यानी कॉपर सल्फेट, इसमें धीरे धीरे डिजोल्व होना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, ये जो नीला तोता होता है वो काफ़ी जहरीला होता है, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इससे आप दूर रहिए। दोस्तों, इससे जो कॉपर बनेगा वो काफ़ी प्योर कॉपर रहने वाला है, मतलब इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, प्योर कॉपर बनेगा कॉपर सल्फेट से। डायरेक्टली जो खदानों में से नीला तोता निकाल के लाते हैं और डायरेक्टली हम इसमें से कॉपर बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है इसमें कोई भी मिलावट नहीं रहने वाली। तो आप चाहे तो इससे कुछ भी यूज़ ले सकते हैं बाद में। जो मिलावट वाला कॉपर होता है उससे कुछ भी काम नहीं बन पाता। तो देख सकते हैं दोस्तों, जो नीला तोता है पूरा पानी में हमारे डिजोल्व हो चुका है यानी पूरा इसमें घुल चुका है वो। अभी हम इससे निकालने वाले हैं। तो चलिए, इसको अभी हम बंद कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा पानी में डिजोल्व हो चुका है नीला तोता यानी कॉपर सल्फेट, इसमें पूरी तरह घुल चुका है। चलिए, इसको नीचे रख लेते हैं, अभी हम आगे की प्रोसेस कर लेंगे। अभी मैं थोड़ा सा इसको बाजू में रख देता हूँ क्योंकि काफ़ी गर्म है ये, इसको मैं बाजू में ही रख देता हूँ इधर। मैं
मशीन को तो मैंने बंद कर दिया फिलहाल। तो देखिए पूरी तरह ये घुल चुका है, तो मुझे लगता है मुझे इसे नीचे रखना होगा ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। ये काफ़ी गर्म है, इसको मैं नीचे रख देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये जो नीला तोता अभी हमने पानी में डिजोल्व किया गर्म पानी में, तो चलिए इसको हम पहले छान लेते हैं इस छन्नी की सहायता से, ताकि इसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो बाहर हो सके। ठीक है, ये जो है ये सल्फेट है नीचे का, तो हम धो लेते हैं एक बार। चलिए इसमें हम क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये कॉपर सल्फेट और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। तो सिंपली हम थोड़ा सा HCl इसमें डाल देते हैं। चलिए थोड़ा सा HCl हम इसमें डाल देते हैं और थोड़ा सा डालेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दिया है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, देखिए ये कुछ लोहे का सामान, कुछ भी नट बोल्ट वगैरह हम इस बीकर में डाल देते हैं। अब देखिए पूरा जो कॉपर है रिएक्ट करेगा इस लोहे के साथ और उसको चिपक जाएगा, पूरा कॉपर जो है नीचे बैठ जाएगा अपने आप। देख सकते हैं पूरा जो तांबा है यानी कॉपर इसको चिपक गया, अभी और काफ़ी सारा कॉपर है इसमें। इसकी पूरी प्रोसेस हम कंप्लीट होने देंगे। मैं सिंपली इस बीकर में इसको डाल देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारे वाइसर थे मेटल के पूरे कॉपर से भर चुके हैं। तो चलिए इनको हम साफ कर लेंगे अभी। चलिए इसमें पानी डाल देते हैं। तो देखिए पूरे जो वाइसर है हमने निकाल डाले, तो एकदम क्लीन वाटर से इसे हमें साफ करना होगा। तो देख सकते हैं ये है कॉपर, प्योर कॉपर है हमारा। अब एक बार हम इसको और साफ कर लेंगे। तो चलिए इसको अभी हम गरम करके थोड़ा सा पाउडर इसका हीट करेंगे और ये जब पाउडर फॉर्म में आएगा तो इसको हम मेल्ट करके देखेंगे। चलिए इसको यहाँ हीटर पे रख देते हैं। जब तक ये पानी पूरा ड्राई नहीं होता तो इस मिट्टी को हम ऐसे हीट देते रहेंगे। तो देखिए काफ़ी हद तक ये सूख चुकी है पाउडर, हमारी जो कॉपर ऑक्साइड 1 पाउडर है वो काफ़ी हद तक सूख चुकी है, और थोड़ी देर वेट कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से सूख जाए। तो इसे मैं बंद कर दिया हूँ अभी, और देखिए जो कॉपर की पाउडर है हमारी वो सूख चुकी है, और ये है अभी हमारा प्योर कॉपर, कॉपर ऑक्साइड 1। तो चलिए मैं इसे ईट पे डाल देता हूँ मेल्ट करने के लिए। तो देखिए पूरी पाउडर मैंने यहाँ पे डाल दी। अभी हम इसमें थोड़ा सा बोरेक्स पाउडर डाल देंगे। ये रहा बोरेक्स यानी सुहागा। बोरेक्स पाउडर डालने के बाद हम इसको मेल्ट करके देखेंगे। ठीक है, इतनी पाउडर सफिशियंट है, इसे नीचे रख देते हैं हम, ताकि जब हम इसे हीट देंगे तो हमारी टेबल जलने का खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी हाई चला जाता है इससे। इसलिए मैं इसे थोड़ा सा भी नॉर्मल हीट दूंगा और फिर इसकी जो टेम्परेचर है वो हाई कर दूंगा। वैसे भी देखिए बोरेक्स पाउडर पूरा उड़ जा रहा है।
तो थोड़ी वीडियो में यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड करूँगा ताकि पहले ही वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है, लेकिन क्या करें पूरी जो प्रोसेस है काफ़ी लंबा वीडियो था ये, लेकिन मैंने आपको काफ़ी हद तक शॉर्ट शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। देखिए मैंने यहाँ पे एक स्केल डाली तो वो भी पूरी चल गई, मेल्ट हो गई। तो देखिए ये अभी लिक्विड बनना शुरू हो गया इसका, मतलब ये जो कॉपर है मेल्ट होना शुरू हो चुका है, पता नहीं आप देख पा रही है नहीं। तो देखिए काफ़ी चमकीला धातु यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, थोड़ी वीडियो मैंने यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर दी है ताकि आपका समय थोड़ा सा बचा रहे। तो चलिए थोड़ा और फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं इसको। ये बाहर होने की वजह से क्या होता है, थोड़ी हवा लग जाती है हमें इसको, तो इसीलिए मेल्टिंग को टाइम लगता है। अगर इसे हम ऑक्सीजन नहीं लगने देते हैं तो ये काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो देखिए लगभग मेल्टिंग कंप्लीट हो चुकी है हमारी, टॉर्च मैंने बंद कर दी। और चलिए अभी इससे हम देख लेते हैं, काफ़ी ठोस बन चुका है ये, तो इसे पानी में डाल देंगे। देखिए काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है, तो इसे मैंने पानी में डाल दिया, अब ये ठंडा हो चुका है, अब इसे हम हाथ में पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों ये तो यार काफ़ी चमकीला धातु नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि क्या ये सोना है, लेकिन ये कॉपर है। इसे हम हथौड़ी से ठोक के देखेंगे, तो चलिए इसे मैं हथौड़ी से ठोकता हूँ यहाँ पे, टूटता है क्या देखेंगे। तो ये नहीं टूट रहा है, ये काफ़ी ठोस बन चुका है। चलिए थोड़ा सा इसको आकार देने की कोशिश करते हैं हम। ये एकदम प्योर कॉपर है, अगर आप इससे कुछ और बनाना चाहते हैं तो आसानी से काम में लाया जा सकता है इसको। तो देखिए काफ़ी क्लीन, ये एक छोटा सा मेटल का पीस बन चुका है यहाँ पे, कॉपर मेटल, और बहुत ही क्लीन है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा आकार देने की कोशिश करता हूँ। छोटा होने की वजह से ये हाथ में से फिसल जाता है। ये लगभग 580 ग्राम के कुछ तो भी आया था समथिंग। और देखिए ये है अपना प्योर कॉपर जो हमने नीले तोते से बनाया है। तो अभी हम इसको मैग्नेट लगा के देखेंगे ताकि हम श्योर हो जाए कि इसमें मेटल का प्रमाण है या नहीं। तो देखिए इसमें कुछ भी मेटल का प्रमाण नहीं है, तो ये प्योर कॉपर है। तो इसी तरह हमने आज कॉपर का वीडियो बनाया, आगे हम और भी काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो लाने वाले हैं। ये जो मैग्नेट है लोहे के चिमटे को पकड़ ले रहा है, लेकिन हमने जो मेटल बनाया है कॉपर का उसको नहीं पकड़ पा रहा है। ये ओरिजिनल कॉपर है हमारा, जिससे हम कुछ भी काम ले सकते हैं। इसे भस्म भी बनाई जा सकती है, जो आगे किमियागरी में यूज़ होती है। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो आगे हम इस पे लाए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए इसका अब हम वेट कर लेते हैं थोड़ा। तो इसको मैं स्केल को ऑन कर देता हूँ थोड़ा, तो ठीक है चलिए इसका वेट कर लेते हैं। तो देखिए इसका जो वेट आ रहा है 588, मतलब ये 5 ग्राम 88 मिली है। तो यही था आज का वीडियो हमारा। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि हमने किस तरह से नीले तोते के ज़रिए कॉपर का एक छोटा सा पीस बनाया, जो काफ़ी प्योर है, इससे आप जो चाहे काम ले सकते हैं। बाद में हमने लिया था लगभग 50 ग्राम नीला तोता, और उससे हमें लगभग 5-5.5 ग्राम के आसपास ये कॉपर मेटल बन के रेडी होके मिला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।